हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ी अनोनी मोना वर्मा के बारे में। तो मोना वर्मा कौन है, कहाँ की है, कैसी है और क्या करती है, इस वीडियो हम पूरा आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग को रेड कलर का वो जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लेना है और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा कर ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना है, क्योंकि इसी प्रकार के और भी वीडियो हम लाते रहते हैं। तो प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मोना वर्मा रायपुर सिटी की रहने वाली है। मोना वर्मा का जन्म 12 अगस्त को रायपुर में हुआ था। मोना वर्मा की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने BCOM से अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है और PGDCA भी कम्प्लीट कर लिया है और आगे की पढ़ाई भी जारी है। तो दोस्तों, मोना वर्मा सोशल मीडिया में कैसे आई तो आप लोग को बता दें कि स्टार्टिंग टाइम में मोना अपने दोस्तों के साथ मिलकर टिकटॉक वीडियो बनाया करती थी और दोस्तों, उनके टिकटॉक वीडियो को लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता था। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि टिकटॉक हमारे भारत में बैन हो चुका है और टिकटॉक बैन होने के बाद मोना इंस्टाग्राम चलाती है और इंस्टाग्राम पर भी वे अपना रील्स और अपना फ़ोटो अपलोड करती रहती है। तो दोस्तों, इनके इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और इनकी फॉलोअर्स की बात करें तो इनके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ऊपर हैं। और दोस्तों, यूट्यूब पर एक चैनल है छत्तीसगढ़िया नोनी के नाम से, जहां पर मोना वर्मा, अमृता कुशवाहा, अंकित भारती ये सारे दोस्त मिलकर वीडियो बनाती हैं। छत्तीसगढ़िया नोनी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को ब्लॉग वीडियो, एल्बम वीडियो और टिकटॉक वीडियो देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, मोना वर्मा का एक ग्रुप है 5 स्टार ग्रुप, जहाँ पर ये सारे दोस्त मिलकर ब्लॉग, टिकटॉक वीडियो और एल्बम वीडियो बनाते हैं। मोना का पहला एल्बम है मयामा उधार, जो हिमांशु यादव के साथ आया हुआ है, जिसे लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मोना वर्मा क्या करती है। तो दोस्तों, मोना वर्मा अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिलाई की दुकान चलाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मोना वर्मा के बारे में जितने भी हमें पता था आप लोग को बता चुके हैं। तो उम्मीद है वीडियो तो ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।